सो गाइस ये रहा दार्जिलिंग जाने के लिए ट्रेन जो कि 10 बजे को निकलेगा। सिर्फ दो कोच मिलेगा, ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते हैं। वहाँ पे जितना सीट है उतना लिमिट में बैठते हैं। और ये बहुत पहले से बनाया हुआ ट्रेन है, मतलब ब्रिटिश जब से था ना तब से बनाया हुआ ट्रेन है। और अभी ये ट्रेन जो कोयले से चलते हैं, तो अभी आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। जब हम लोग का ट्रेन 10 बजे को जाएगा तब को दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं 10 बजे तक। अभी बज रहे 7 बज गया अभी, और 3 घंटा तक मुझे हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा हम लोग दोस्त लोगों के साथ। और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। यहाँ पे जस्ट लिमिट टिकट भी इतना मुश्किल से मिला है, मतलब पहले से 1-2 महीने से हम लोग टिकट काट के रखा था, इतना इजीली नहीं मिलते। ये दार्जिलिंग जाने के लिए सिर्फ 2 ट्रेन है, और ये सुबह 10 बजे का और शाम का टाइम में होगा। तो हमने सुबह का मिल गया, सिर्फ दिन में 2 बार जाता है ये ट्रेन। जो चलिए अभी आप लोगों को दिखाता कितना बड़ा है और कितना है वो दिखा देते हैं अभी। चलिए ये ट्रेन जो इतना है, यहाँ से स्टार्ट होता है, छोटा सा इंजन का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ट्रेन का जैसा। देखिए यहाँ में ड्राइवर जो इसमें बैठते हैं आगे वाला में, ड्राइवर बैठने के लिए भी छोटा सा है। अभी यहाँ पे रिपेयरिंग हो रहा है नीचे में, इंजन का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वो देख रहे हैं, क्योंकि पर्वत को उतना बढ़ता है ये ट्रेन जो काफ़ी ऊँचाई था उतना बढ़ता है। ये साइड में ज़्यादा लोग नहीं आते, यहाँ पे जस्ट लिमिट है। जो लोग दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं वो लोग ही आते हैं। वो वाला जो मेन ट्रेन स्टेशन है जो कि बहुत दूर दूर जाता है, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता उस तरफ में। अभी हम लोग यहाँ में वेट कर रहे हैं बंदी लोग के साथ। फाइनली गाइस ट्रेन जो जाने के लिए रेडी हो गया। देखिए अभी यहाँ पे स्टार्ट दे रहे हैं, और यहाँ में अभी जाने के लिए रेडी कर रहे हैं सभी लोग, बंदे लोग भी, और यहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं वो लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोगों को मैं जाने का टाइम में दिखाते रहूँगा, आप लोग एंड तक देखते रहना। फर्स्ट वाला में यहाँ पे इसमें एसी नहीं है, और वो पीछे वाला में एसी है। तो चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाते रहूँगा इस तरह का ब्लॉग। तो पीछे की तरफ जा रहे हैं अभी सभी पैसेंजर, बैठ रहे ट्रेन में बैठ रहे। हम लोग का सामान कहाँ में रखेगा? ये वाला है मेरा सीट, इधर बैठ गया यहाँ में अंदर में। और एक जब पांडे जी कहाँ चला गया? हाँ ट्रेन जाने वाला है गाइस। देखिए अभी सब पैसेंजर अपना अपना सीट में बैठ गया। अब मेरा सीट भी मिल गया 7-8। एक पांडे जी के साथ, त्रिपुरा का पांडे जी के साथ मेरा एक सीट में बैठेगा। तो अभी जाने के लिए रेडी है। चलिए गाइस अभी सीट की तरफ चलते हैं। किस तरह से फोटो खींच रहे देखो, एंगल मिला के, और यहाँ पे फोटो खींचा जा रहा है। अभी ट्रेन जो अभी जाना स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग जलपाईगुड़ी से जा रहे हैं। ज़्यादा स्पीड नहीं जा रही है ट्रेन, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और यहाँ पे हाँ लोग सब लोग आगे बैठ रहे हैं। 30 सीट है यहाँ पे, 4 सीट में सामान उठा के रखा है। आवाज़ जो ट्रेन का जैसा है, लेकिन इतना भी स्पीड नहीं है, पूरा धीरे धीरे जा रहे हैं। यह ट्रेन को सिर्फ किसी का ब्लॉक में दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा हम लोग फर्स्ट टाइम बैठने मिल रहे हैं, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। ये बड़ा वाला ट्रेन जाने के लिए है, और ये छोटा वाला अभी थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं ट्रेन जो है। थोड़ा देर पहले रास्ता जो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, उसे धीरे धीरे जा रहा था। जितना भी स्पीड जाओ, लेकिन इतना भी स्पीड नहीं ये ट्रेन जो, पूरा धीरे धीरे। कब को पहुँचेगा पता नहीं। ऐसा वाला ट्रेन जो सिर्फ ये कोलकाता दार्जिलिंग में देखने मिलते हैं। ये ट्रेन जो ब्रिटिश जब इंडिया को रोल कर रहा था तब से ये ट्रेन जो अभी भी चालू है, और अलग कहीं पे भी स्टेट में नहीं है ये ऐसा वाला ट्रेन, सिर्फ दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग आने से देखने मिलेगा ये ट्रेन जो। ये ट्रेन तो पूरा बाजार का अंदर से जा रहे है, कहाँ कहाँ से जा रहे है भाई, ये पूरा गांव से घुस के जा रहे हैं ये ट्रेन तो। और हम लोग सिलीगुड़ी स्टेशन से थोड़ा सा दूर में, थोड़ा सा साइड हो गया, हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये वाला सिलीगुड़ी स्टेशन हाईवे के पास से जा रहे हैं अभी घर। ये सिलीगुड़ी का चाय बागान है। अभी पर्वत को उठना स्टार्ट हो गया। देखिएगा किस तरह से उतरे, धीरे धीरे उठा जा रहे हैं अभी। वाह क्या नज़ारा है, धीरे धीरे जा रहा है ट्रेन।
देखो अभी लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। ये तो पूरा जंगल से जा रहा है। यहाँ से आया था फिर आगे भी जाके इस तरफ में उठाएगा। देखिए ऊपर में जो रास्ता दिखाई दे रहा है इधर जाएगा। अभी घुमा रहा है वहाँ पे, ग्रीन सिग्नल दे रहे। देखो अभी देखो इस तरफ में जाएगा, एक पीछे की तरफ चला गया, आगे की तरफ जाएगा। अभी रास्ता चेंज कर रहे हैं, जो नीचे की तरफ से आया है उसको अभी चेंज करेगा। वहाँ पे रास्ता को छोटा कर रहा है, मतलब एक साइड को जब बंद कर दे रहे। देखिए हम लोग यही से आया था, पीछे की तरफ मुड़ के आया था, ये लाइन से। अभी इससे नहीं जाएगा, अभी राइट साइड की तरफ जा रहा है। फिर से यही से आया था अभी फिर अभी ऊपर की तरफ उतर रहा है। वाह पूरा धुआं धुआं वो निकल के उतर रहे। देखो ग्रीन सिग्नल आ गया, लाल माटी बोला है जगह ने। देखो यहाँ से चेंज किया है, अभी हम लोग यहाँ से आया था। देखिए ये लाइन से आया था फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्ट नहीं उठ सकता पर्वत की तरफ, पर्वत में ऊपर में उठने के लिए डायरेक्ट नहीं उठ सकता है ना, इसलिए आगे पीछे करके उतरे सब। और देखिए ट्रेन जो रास्ता क्रॉस कर रहा है अभी, इतना धीरे धीरे जा रहा है। जब ये सब जगह जो है ना माई दिया गया था तब को दिखाई दिया, लेकिन अभी जो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कितना पर्वत है। दार्जिलिंग को सुंदरता से जाना जाता है पूरा इंडिया में। आज फर्स्ट टाइम आके फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा देखने मिल रहा है यहाँ में। ट्रेन जो बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, रास्ता भी इतना छोटा है और फिर वो उसमें भी जंगल भी है। वाओ सो ब्यूटीफुल व्यू, सो ब्यूटीफुल। ये रहा देख लीजिए, देखो हम लोग नज़दीक में आ चुका है अभी। पूरा पर्वत का नीचे में पूरा गांव बसा हुआ है, जो दूर से देखने से पूरा कलरफुल दिखाई दे रहा है। ये दार्जिलिंग की तरफ यही ट्रेन ही जाता है और कुछ भी ट्रेन नहीं आता है इधर में, और जाया भी कैसे जाएगा, जाने से भी पूरा जंगल ही जंगल है। अभी हम लोग को घर देखना मिल गया, कितना बार चेंज करके जाना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन ये घर जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाला देखिए अभी घर से आया था फिर ऊपर की तरफ जा रहे। स्कूल बस है, ऊपर में देखिए घर बना के रखा। मोमो वेज है नॉनवेज है? नॉनवेज नहीं है क्या? नॉनवेज भी है। नहीं चाहिए, आइए। वन प्लेट 50 करके है मोमोज। और थोड़ा डाल दीजिए, और थोड़ा डाल। ये ले लिया आप चिकन मोमो, और ये देखिए आप खा रहे हैं ये दोनों। अभी ट्रेन में खाएगा ये इसको चिकन मोमो। चिकन मोमो जो बहुत ही टेस्टी था, चाल भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही टेस्टी है, मेरा फेवरेट है मोमोज। अभी तिंदारी रेलवे स्टेशन से जा रहे आगे की तरफ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सुंदर सा सबसे सुंदर सा वाला जगह दिखाई दे रहा था ना, ये वाला है। अभी इस रास्ते से जा रहे हैं हम लोग का ट्रेन। फिर यहाँ में रास्ता चेंज किया है, यहाँ से नीचे की तरफ से आया है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है।
फुआरा का पूरा चाय बागान। यहाँ में और एक ट्रेन आ चुका है, इसका नाम है शेरपा, ये दार्जिलिंग से आया है। पूरा का पूरा खाली है, इसमें भी दो डब्बा का है, ये एक और आगे में एक दो है। अभी ये वाला ट्रेन जा रहा है, पूरा का पूरा खाली जा रहा है ये। देखिए पर्वत में भी ऊपर में देखिए गांव बसा हुआ है, पर्वत के ऊपर में गांव बसा हुआ है। वाओ क्या नजारा है। अभी हम लोग दार्जिलिंग में पहुंच गया, ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है। थोड़ी देर पहले हम लोग अलग ट्रेन में आया था, आप लोगों को दिखाता है रेलवे स्टेशन का अंदर का नज़ारा। अभी होटल ने ढूंढने की है वागुर मंत्री जी, हम लोग यहाँ में रुक रहे। ये क्या लिखा है, पहाड़ी चाय मतलब दी लिखा हुआ है। फिर चाय का दुकान है और यहाँ पे भी अभी सब बंद हो चुका है, 8 बजे तक खुला रहते हैं। और यहाँ पे बंटी लोग वेटिंग करते हुए यहाँ में बंटी लोग आप स्टेशन में सुने मिलेगा फोटोग्राफर आज स्टेशन में सोने मिलेगा, ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा पूरा रात। चलिए अभी दार्जिलिंग सिटी को थोड़ा नजर एक नज़र डालते हैं। यहाँ में लिखा हुआ आई लव DTH और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग क्या है। फाइनली गाइस हम लोग दार्जिलिंग पहुँच गया, तो आप लोग देख लीजिए हमें तारों का जैसा दिखाई दे रहा है, छोटा 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 है। ये पूरा का पूरा सब शहर ही है दार्जिलिंग का, पहाड़ में इतना सुंदर सुंदर करके घर बना के रखा है गाइस। किधर है होटल, बस पूरा थक गया। ओ होटल ग्रुप हिल में आया हम लोग अभी। আপনার নাম তো এন্ড দিস ইজ ইউর অল পিপল ইজ ইয়ার ফ্রেন্ডস ওঠো ওঠো রুমে চলো। और ऊपर और ऊपर 401 402 तो यहाँ पे दो आदमी यहाँ में दो आदमी संभाले जो भी सही है, इतना भी बुरा नहीं। ये है